हाउ वुड यू फील अगर आपको मौका मिले टू स्पेंड अ डे विद एक्सपर्ट क्रिएटर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स एट वन प्लेस? प्रीटी एक्साइटिंग राइट? कुछ ऐसा ही महसूस किया मैं जब मुझे मौका मिला यूट्यूब के टॉप क्रिएटर से मिलने का, जैसे कि महात्मा जी टेक्निकल, नीतीश राजपूत, इन्वेस्ट आज फॉर कल के फाउंडर अनंत लड्डा, वायरल कलाकार एडू मंत्रा, अध्ययन मंत्रा एंड इंग्लिश कनेक्शन के फाउंडर्स। भाई साहब, मतलब अगर सबके सब्सक्राइबर्स को मिला जाए तो इट वुड बी अराउंड 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो बात कुछ ऐसी है कि हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था यूट्यूबर्स मीट, जहां पर इन सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया था। और आप जानते ही हो इन सब चीजों में इनसेन पीयूष कैसे पीछे रह सकता है। तो जैसे ही ये सारे यूट्यूबर्स हमारे कॉलेज में पहुंचते हैं, इनका वेलकम होता है कुछ पंजाबी स्टाइल में। आओ दिखाता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना लवली है कि कोई यहाँ आए और कैंपस टूर ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। सो यूट्यूबर्स मीट इवेंट से पहले सारे क्रिएटर्स निकल पड़े कैंपस टूर करने, और मुझे मौका मिला फाइनेंस के दुनिया के बड़े महारथी, इन्वेस्ट आज फॉर कल के फाउंडर, नेशनल बेस्ट सेलर एंड 3 बार टेडेक्स स्पीकर रह चुके अनंत लड्डा सर को लवली का लवली कैंपस टूर कराने का मौका विद वन एंड ओनली दीपिका। सो आज हम सर के साथ। हेलो सर, कैसा लग रहा है आपको कैंपस? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका चैनल भी सब्सक्राइब करो यार, यार। थैंक यू सो मच सर। कीप डूइंग गुड वर्क यार। गुड टू नो कि आप ऑफिस में भी जा रहे हो, कुछ पढ़ भी रहे हो, प्लेसमेंट की भी तैयारी कर रहे हो, सब कुछ सेशंस भी करवा रहे हो और सब्सक्राइबर्स भी बढ़वा रहे हो और अपने बढ़िया काम कर रहे हो। गुड यार। अभी हम मैम के साथ। हेलो मैम। और हम सर का भी डालते हो? हां, व्लॉग्स भी डालता हूं और एजुकेशनल कंटेंट लाइक बैठ के कुछ मतलब आप चेक कर। अभी हम सर से पूछ रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? मजे करने चाहिए लाइफ में, अपने ऊपर अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करो, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस है तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। अगर अभी तुमने थोड़ा बहुत पैसा बचा भी लिया तो उसका इतना यूज़ नहीं होगा जितना तुम अभी एक्सपीरियंस को खोके खो दोगे। तो स्पेंड ऑन योर सेल्फ, इन्जॉय करो, चिल करो, पार्टीज करो, घूमो फिरो, वेकेशन पे जाओ, दोस्तों पे खर्चा करो। अगर तुमने अभी आज के दिन किसी दोस्त को समोसा खिलाया हो तुम्हें याद रखेगा। हाँ, ये तो इवन 20 साल बाद तुम्हें अपनी बीवी से मिलाएगा तो कहेगा कि भाई ये समोसा खिला था। और तुम 20 साल बाद जाके या 10 साल बाद जाके 5 साल में भी खाना खिला देगा, कोई नहीं जानेगा तेरे को। सर अब मेरे दोस्त कमेंट करने वाले हैं, भाई समोसा कब खिला रहा है, अब मैं गरीब होने वाला हूँ। कोई बात नहीं, बट ये याद रहती है, ये चीजें स्पेंड ऑन एक्सपेंडिचर। अभी हम सर को ले जा रहे हैं इंडोर स्टेडियम पे। और यहाँ का इंडोर स्टेडियम काफ़ी अलग है मतलब बाकी जगहों से, क्योंकि मुझे पता है। और अभी सर को दिखाते हैं फिर इनका रिव्यू लेते हैं। आए थे और यहाँ पे एक मैच चल रहा है। अच्छा लगा सर, आपको क्या कहना चाहेंगे? अरे जोरदार है यार, बहुत अच्छा है इंडोर स्टेडियम। पूल वॉज नहीं की बिकॉज ओलंपिक साइज का पूल होना बड़ी बात है। और जो आपने बना रखा है ना कि हमारे कौन कौन विनर्स आए ओलंपिक्स में, दैट वाज गुड यार। कैंपस टूर खत्म करने के बाद वी डायरेक्टली वेंट टू शांति देव मित्तल ऑडिटोरियम, जहां पर भाई साहब जनता फट रखी थी अपने फेवरेट क्रिएटर्स को एक साथ एक जगह पर देख के। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी यहाँ पे, स्पेशली जो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात कर रहे हो या रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, इतने कैमरास है ना यहाँ पे, विच इज एक्चुअली गुड ऑल्सो। प्लस मेरे को बाद में पता चला कि गर्ल्स हो चले सेक्टर 1 पे और बॉयज हो चले सेक्टर 4 पे, तो मतलब बाय डिफॉल्ट इनको मेहनत काफी करनी पड़ती है। और इसी बीच तुम्हारे इनसेन पीयूष को मौका मिला स्टेज पर जाकर के अनंत लड्डा सर के लिए एक छोटा सा रील शूट करने का। और
और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इंसेन पीयूष भी कभी ऐसे ही यूट्यूबर्स मीट में इनवाइट किया जाए तो सब्सक्राइब कर दो यार। अभी देख लो यार, जिसको भी डिजिटली आना है, आपको पता है यहाँ पे अप्रोक्स 30 मिलियन सब्सक्राइबर भेज रहे हैं, तो अपने लाइट्स ऑन कर लिए प्लीज, कैमरे में सब दिखता है, जल्दी करिए। राइट, स्टार्ट करें। चलो जी, हिम्मत और हौसले बुलंद है, हिम्मत और हौसले बुलंद है, जंग अभी बाकी है, मैं हारा नहीं हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, हमेशा जितने भी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स थे, जस्ट हैव अ लुक, ट्रस्ट मी इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे मौका मिला उनको देखने का जिनको देख करके मैं YouTube सीखा और शुरुआत करा अपने YouTube चैनल का। तो भाई वो कहते हैं ना, एक अलग लेवल का फीलिंग, एक अलग लेवल का मेमोरी बना मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिल के करीब वाला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि आपके फेवरेट क्रिएटर कौन है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो, और सुनो सब्सक्राइब भी कर देना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।